हेलो गेम चेंजर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एक बड़े ही प्यारे से अच्छे से यूट्यूब चैनल में, गेम चेंजर्स में। एंड आई एम श्योर एंजॉय किया होगा आपने आज का दिन। बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल, अपसाइड डाउनसाइड इतने ज्यादा थे कि कुछ भी जज कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन हमने चतुरता दिखाई, चालाकी दिखाई, कार्नेस दिखाई, धैर्य दिखाया और बहुत अच्छे हिट्स लगाई। चार हिट्स लगाई, चार में से तीन बहुत ही शानदार हिट्स रही। एक मैंने अपने ट्रेडिंग चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की थी, जीसी ट्रेड्स पे करेंसी की ट्रेड थी। करेंसी की ट्रेड मैं ऑलवेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ कंटिन्यूसली। अच्छी ग्रिप रही है करेंसी पे मेरी, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि 8 out of 10 तो हमको हिट्स मिल ही जाता है आराम से। सो बात करेंगे पहले आज के ट्रेड्स की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बाकी ट्रेड्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले मन्नापुरम ट्रेड थी, गेम चेंजर का स्टैम्प था, हिट हुई, ये लीजिए हमने लिख दिया इस पे। सेकेंड ट्रेड थी विप्रो एग्जीक्यूशन, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं विप्रो में मिल नहीं पाया, 447 के पास, मतलब एग्जैक्ट टारगेट के पास ही ओपन हुआ था। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली 4442 के आसपास ट्रेड करता रहा, उसके बाद सडनली ब्रेकडाउन हुआ विप्रो में। सो बिल्कुल भी हाथ नहीं लग पाया विप्रो हमारे। एंड SBIN जैसा मैंने कहा था कि 407 के नीचे अगर जाएगा डेफिनेटली हिट्स लगाएगा, टारगेट्स लगाएगा, और बड़े आराम से सभी टारगेट्स को देखने के लिए मिला आपको SBIN में। लेकिन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म सेल ऑफ था कल मोस्टली। SBIN अगर 407 पिक कर लेता है आगे की तरफ के टारगेट में, एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 411-412। UPL स्टैम्प था गेम चेंजर का और हुआ अभी 541 के ऊपर, बड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन, सारे टारगेट्स को UPL ने हिट किया, मोमेंटम थोड़े से ज्यादा थे। तो चार ट्रेड्स में से तीन हिट लग गई, एक नॉन एग्जीक्यूटेड रहा, और क्या चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया दिन रहा। और अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ चार बेहतरीन ट्रेड्स, और जो भी एग्जीक्यूट होगा प्रॉफिटेबल जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा आप मेरे साथ बने रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंजॉय करते रहिएगा ट्रेड साथ में, और मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा बेहतरीन अपडेट्स। तो तैयारी करते हैं, 17 फरवरी की तरफ चलते हैं, 17 फरवरी की तरफ चलते हैं। एंड निफ्टी क्लोजिंग 15,313 एंड बैंक निफ्टी क्लोजिंग 37,098.98 सेंटीमेंट्स मेरे बुलिश ही हैं, और मैं बुलिश ही ट्रेड करने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी पे अभी, जब तक 37,700 के ऊपर हम मेंटेन हैं। तो चलिए पहले रिव्यू कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, उसके बाद चलेंगे अपनी ट्रेड्स की तरफ। फ्रेम्स को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, वन डे के फ्रेम की तरफ चला जाए। सो निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की मैं कोशिश कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब 7वें या 8वें आसमान पे, तो अपॉर्चुनिटी मिल पाना थोड़ा सा टफ हो रहा है। टेक्निकल कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टॉप्स पे चल रहा है, बाकी फर्दर प्राइस एक्शन हमें मिल ही नहीं रहे हैं बड़े फ्रेम्स में। सो रिजेक्शन देखने के लिए मिला है अच्छा, लेकिन एक्सट्रीम सपोर्ट के ऊपर बने हुए हैं। छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की तरफ चलें, 200 MA के ऊपर सपोर्ट बना के हल्का सा ब्रेकडाउन दिखा के शार्पली अपसाइड मोमेंटम पिक किया है, एंड लग रहा है कि मोमेंटम कल रहना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी हमारा एटलीस्ट मेंटेन करके चले 15,340 अगर मेंटेन करके चलेंगे, चीजें फेवरेबल होती मुझे दिखाई दे रही है। MACD भी अच्छे जोन में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन डिपेंड करेगा, 15,340 एटलीस्ट हमको निफ्टी में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और बिना देर किए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। क्या जलवे थे बैंक निफ्टी के, आज छोटे से फ्रेम में मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था आज आप लोगों के साथ में, एंजॉय किया होगा आपने बहुत अच्छे से। 39,000 की CE को मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, क्लीन 20 पॉइंट्स आराम से मिले, 150 के पास से पिक किया था, 172 पे एग्जिट किया था, बहुत अच्छी ट्रेड थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने। उसके बाद सडन ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला, जैसी इंस्टेंटली जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किए थे, जैसी ब्रेकडाउन हुआ अच्छी गिरावट आई, लेकिन फिर 200 MA के पास से शार्पली पुल बैक भी हमको देखने के लिए मिला। सो सेम कंडीशंस हैं, MACD अच्छे जोन में है, छोटे फ्रेम्स में भी एज वेल एज बड़े फ्रेम्स में भी, अगर हम फिर से पुश करते हैं 37,180 के लेवल के लिए, 37,200 के लेवल के लिए हम अगेन जाते हुए दिखाई देंगे 37,500 के लिए, और मुझे फीलिंग आ रही है कि कल बैंक निफ्टी न्यू हाई बनाएगा, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है। सो देखते हैं कल क्या होता है, 600-700 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिलेगी या नहीं। फिलहाल रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिली है, हालांकि सपोर्ट के ऊपर एक्सट्रीम सपोर्ट के ऊपर हम क्लोज दिए हुए हैं अभी। सो जब तक हम 37,400-700 के नीचे नहीं आएंगे तब तक गिरावट मान के नहीं चलेंगे, बुलिश ही रहना बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते हैं अपने चार। मेरा पहला स्टॉक है जील, मैं सेल करने जा रहा हूँ जील को 207 के नीचे, मेरा पहला टारगेट रहेगा 204, सेकंड 201। एंड आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लग रहा है कि 198 भी देखने के लिए मिलना चाहिए जील में,
बाकी डिपेंड करेगा कि ट्रेंड आपको क्या कह रहा है। तो 207 के नीचे बड़ा प्यारा एग्जीक्यूशन डील में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। कंटिन्यूसली 50 SMA के प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं, MACD बहुत अच्छे जोन में है। RSI पे नजर डालेंगे, 34 के पास ट्रेड कर रहा है, हल्का सा और बियरिश हो सकता है, 20 तक टच कर सकता है। MACD ऑलरेडी बियरिश जोन में है, पुल बैक की कोशिश, लेकिन 208 के पास से ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल मुझे जील में दिखाई दे रहा है। फ्रेम्स को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, एक वन डे के फ्रेम्स की तरफ जाऊं, तो फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है हमने नर्वास बॉक्स को ब्रेक करके। सो एटलीस्ट मूविंग मेजर मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट टच करेंगे तो 198 तो हम जाएंगे ही जाएंगे। MACD बहुत ही बेहतरीन सेल जोन में है, RSI भी सेल जोन में है, एंड एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे नजर डालें, नेगेटिव डाइवर्जेंस अच्छी स्थिति में, लेकिन हार्ट लाइन जो है अभी भी थोड़ा सा नॉन ट्रेंडिंग, 15 के पास ट्रेड कर रहा है, 16 के ऊपर ट्रेंड माना जा सकता है, कंफर्म ट्रेंड माना जा सकता है। लेकिन अगर हल्का सा भी पॉजिटिव बायस पे या फिर जील हल्का सा भी नेगेटिव बायस पे ओपन होता है, 207 के आसपास ओपन होता है, बड़ी प्यारी सेल अपॉर्चुनिटी जील में आपको देखने के लिए मिलेगी। और क्विकली 3 points भी अगर आप मान के चलेंगे तो बहुत है, क्योंकि मैं ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स में बुरिश लेके जा रहा हूँ। सो बेटर रहेगा कि बेयरिश स्टॉक्स को क्विकली बुक कर लिया जाए, लेकिन 50 SMA के सपोर्ट के नीचे जब तक हम हैं सेम कंडीशन मेंटेन करके, लग रहा है कि प्रेशर बना रहेगा कंटिन्यूअसली सेल साइड। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, और इसको एक्सप्लेन करने से पहले इस पे स्टैंप लगा देते हैं गेम चेंजर का। मैं सेल करने जा रहा हूँ ICICI बैंक को 660 के नीचे, मेरा पहला टारगेट रहेगा, सॉरी मैं बाय करने जा रहा हूँ ICICI बैंक को 660 के ऊपर, मेरा पहला टारगेट रहेगा 666, सेकंड 668, स्टॉप लॉस 655 में मेंटेन करके चलूंगा। बाकी कुछ भी रहेगा चार्ट वगैरह अच्छे से ICICI बैंक के, कुछ भी चेंजेस रहेंगे मैं अपडेट करता रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, GC ट्रेड्स टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे। 5 मिनट्स के फ्रेम में 650 के पास से शार्पली 8 पॉइंट्स पिक किए, एंड बड़ी तेजी से सपोर्ट के पास में 50 SMA के सपोर्ट के ऊपर, 200 SMA के सपोर्ट के ऊपर क्लोज करने की बड़ी चालाकी से ICICI बैंक सक्सेस लिया है। एंड 660 के ऊपर माइनर पीवियड्स के ऊपर, माइनर रिजेक्शन लेवल के ऊपर अगर मुझे ICICI बैंक मिल जाता है, डेफिनेटली गेम चेंजर होने वाला है और बड़े अच्छे अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। 30 मिनट्स की फ्रेम की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं, एक बड़ा अच्छा जो बियरिश स्ट्रीक है, दो बड़ी कैंडल्स के साथ में फिनिशअप हुआ है, बड़ा प्यारा सा सपोर्ट के ऊपर हम बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, सेम सपोर्ट के पास से प्रीवियसली हाइक लगाए हैं ICICI बैंक ने, सिमिलैरिटीज अभी भी देखी जा सकती है। अगर 660 मेंटेन कर गए, बड़े आराम से 4 से 5 क्विक पॉइंट्स ICICI बैंक में मिलेंगे, और मार्केट अगर रन ओवर कर गया तो भाई साहब 670 तक के टारगेट, 670 भी एक्सपेक्टेड है ICICI बैंक में। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, नेक्स्ट मेरे पास DLF, मैं बाय करने जा रहा हूँ 319 के ऊपर, सेम लेवल के आसपास क्लोजिंग है, अगर मुझे सेम लेवल के पास से एंट्री मिल जाती है, बेहतरीन स्टॉक DLF हो सकता है कल का। 323-325 एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं मेरे, स्टॉप लॉस 319 की एग्जीक्यूशन के बाद में मैं 316 मेंटेन करके चलूंगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, सो दैट वो भी आनंद उठा पाएं मेरे चार अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस का, अपनी वॉचलिस्ट में वो ऐड कर सकें। 5 मिनट्स के फ्रेम में शानदार कंडीशन में बैठा हुआ है DLF, एंड मेजर सपोर्ट लाइन के पास से नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तेजी से चतुरता के साथ में इसने ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में भी खुद को मेंटेन रखा। तो सिमिलर लेवल 50 SMA के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है, बाकी पीवेट का सपोर्ट मिल रहा है, सारी चीजें फेवरेबल है, वॉल्यूम भी अच्छा डेवलप हुआ है, एंड ADX ट्रेंड में है, हार्ट लाइन हल्का सा पुश अगर हमको मिलता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस साथ में जाना शुरू करेगा RSI 47 के पास में। सो 319 अगर मुझे मिलता है, लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है DLF, और नॉन स्टॉपेबल रहता है जब DLF चलना शुरू हो जाता है। हल्का सा रिजेक्शन 319 के पास अगर मैं क्लियर कर जाता हूँ, बड़े बड़े टारगेट्स की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज है, 324 तक के एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, क्योंकि उसी के पास हमारे फर्दर रिजेक्शन हैं। तो 319 से अगर मुझे छोटी स्किप पे 3 से 4 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, तो 322-323 वुड बी द बेस्ट बुकिंग वैल्यू इन DLF। तो बहुत ही अच्छी स्थिति मुझे DLF दिखाई दे रहा है, और अब टाइम है फाइनल स्टॉक की बात करने का और फाइनल गेम चेंजर की बात करने का। मैं बाय करने जा रहा हूँ मदर सुमी को 214 के ऊपर, एक्सपेक्टेड टारगेट 217-219 और मेजर टारगेट 221 मदर सुमी में आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड स्टॉप लॉस 211 मैं मेंटेन करूंगा, एंड कुछ भी चेंजेस होंगे ज्वाइन कीजिएगा मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को सर। ये मदर सुमी का 5 मिनट का बेहतरीन चार्ट, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है काफी, तो मे बी ज्यादा लंबा रन ना देखने के लिए मिले, लेकिन 220-222 एक्सपेक्टेड टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एटलीस्ट
एटलीस्ट दरवाज बॉक्स का टॉप तो हम टच करके आएंगे। हालांकि ब्रेकआउट टॉप से मिले ना मिले वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन 220 तो जाएंगे। एक्सट्रीम सपोर्ट के ऊपर काफी टाइम तक अक्यूमुलेट किया है इसने और इतने टफ ट्रेडिंग डे में मेंटेन किया है खुद को। 50 SMA का बेहतरीन सपोर्ट है एंड वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट ओके क्लोजिंग के टाइम पे कंटिन्यूअसली बाय साइड में डेवलप हुआ है। MACD बहुत प्यारा पुल बैक किया है बेयरिश जोन से और लग रहा है कि बहुत अच्छा रन MACD के अकॉर्डिंगली देखने के लिए मिल सकता है। ADX जबरदस्त ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, RSI 56 है, ये स्टॉक रॉकेट होने के लिए तैयार है। तो भाई साहब मतलब मिस ना करने वाली चीज है मदर सुमी। 214 अगर मेंटेन रख गया आराम से 219-220 तक रन करने का पोटेंशियल है, दिखाने का पोटेंशियल है, लेकिन तब भी छोटी स्क्रिप्ट है। 4 पॉइंट्स बहुत बड़ी चीज हो जाएगी इसमें, 4 पॉइंट्स भी मैं कलेक्ट करूंगा तो 218 मुझे टारगेट्स मिल रहे हैं, मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स लेके चलूंगा, 217 मेरे लिए बेस्ट रहेगा मदर सुमी में, और मदर सुमी ये करके दिखाएगा कल। ये थे मेरे 4 बेहतरीन स्टॉक्स, मदर सुमी गेम चेंजर लिस्ट में डाला है, DLF भी गेम चेंजर हो सकता है लेकिन मदर सुमी को मैं ज्यादा प्राथमिकता दे रहा हूँ, प्रायोरिटी दे रहा हूँ। एंड ICICI बैंक डेफिनेटली गेम चेंजर रहेगा अगर 660 मेंटेन करता है। जील 207 के नीचे अच्छा ब्रेकडाउन दिखा सकता है, 198 भी एक्सपेक्टेड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर डालिए, दबा के सपोर्ट कीजिए पूरे खुल के अपने माइंड के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में गेम चेंजर्स को सपोर्ट कीजिए, साथ आगे बढ़िए। एंड आई एम श्योर वेडनेसडे बेहतरीन आएगा, अच्छी अच्छी ट्रेड्स लेके आएगा और आप इंजॉय करेंगे अपना दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।